छोटे से किसान की बेटी ने बढ़ाया है समाज और देश का गौरव। जी हाँ, निसरपुर के किसान की बेटी ने अमेरिका में मास्टर डिग्री का जो परचम लहरा दिया है और उसमें भारत का नाम अमेरिका में भी गूंज उठा है। धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत आने वाली निसरपुर की बेटी दीपाली पाटीदार ने अमेरिका में भी भारत का गौरव बढ़ाया है। दरअसल दीपाली पाटीदार पिछले 2 वर्षों से अमेरिका में रहकर कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही है। इस वर्ष दीपाली का अंतिम वर्ष था जिस पर दीपाली पाटीदार ने कड़ी मेहनत करते हुए अमेरिका में मध्य प्रदेश और छोटे से कस्बे निसरपुर का नाम रोशन कर दिया है। दीपाली पाटीदार निसरपुर की रहने वाली है। इनके पिता तुलसीराम पाटीदार और परिवार किसानी का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा को महत्व देकर उच्च शिक्षा में भरपूर योगदान दिया, जिसके आज दीपाली अपने परिवार और अपने पिता का नाम गौरवान्वित कर रही है और उनके सपनों को भी साकार करते हुए दिखाई दे रही है। दीपाली ने कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल कर ली है। वो निसरपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और भारत का नाम उन्होंने रोशन करा है, जिसके चलते परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई है। दीपाली पाटीदार ने माता पिता का सपना पूरा करते हुए अपने परिवार और समाज के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। दीपाली पाटीदार की माताजी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने और समाज को नया संदेश देने के लिए पहल करी है। दिव्यांश शुक्ला, सुंदरशाम खजीस, गर्वित गुप्ता, चमत अजमेरा, प्रकार चाऊ, अथावा मिश्रा, इताल बंदलिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कितनी खुशी है आपको आपकी बालिका ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की? बहुत खुशी की बात है। माँ नर्मदा की कृपा से हमारी बेटी ने ये हासिल किया और मैं चाहती हूँ कि सब बच्चियों को अपने अपने पिताजी सब पढ़ाए, बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ। आपकी बालिका ने यूएसए अमेरिका से डिग्री प्राप्त की है, इस संबंध में आप क्या कहना? बालिका बचपन से ही वह पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। 5वीं में उन्होंने नवोदय में सिलेक्शन होके नवोदय विद्यालय गई थी, परंतु वहाँ पे कुछ व्यवधान आने के कारण, मतलब भाषा की तकलीफ के कारण वो वापिस आई। फिर उसके बाद में उसने मेरे को बोला कि मैं इस गांव में नहीं पढ़ूंगी, मुझे उच्च शिक्षा पाना है, इसलिए मुझे कोई बाहर की स्कूल में भेजो। फिर उसको मैंने इंदौर में कोचिंग के लिए भेजा था। इंदौर में डमी स्कूल से उसने कॉलेज की और आई आई टी की डिफेंस के लिए कोटा भेजा था। कोटा से वहाँ पढ़ाई करने के बाद में उसका सिलेक्शन हुआ। वो आईआईटी रुड़की में बीटेक की डिग्री के लिए एडमिशन हुआ उसका। कड़े संघर्ष के बाद में इस बीच में उसका इसरो में भी सिलेक्शन हुआ था, परंतु उसने इसरो में नकारा और वो आईआईटी फिर एक बार से करा। उसमें सिलेक्शन होने के बाद में उसने बीटेक की डिग्री लेने के बाद 2 साल तक अपने खुद के पैसे इकट्ठे करने के लिए उसने जॉब किया और जॉब करने के बाद में उसने जेआरई के कंपटीशन एग्जाम पास करके फिर अमेरिका गई, जिसमें सिलेक्शन होने के बाद में वहाँ पर फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ। वहाँ पर 2 साल की पढ़ाई करने के बाद में उसकी डिग्री प्राप्त हुई है। इसी को भी महसूस हो रही है कि जब एक भारत की बेटी अमेरिका में भारत का परचम लहरा रही है। बहुत ही खुशी और आनंद का पल है और परिवार एवं पाटीदार समाज के लिए, गांव निसरपुर के लिए गौरव का पल है कि एक छोटे से किसान की बेटी अमेरिका में जाकर परचम लहरा रहा है।